भारत की लोकप्रिय कॉमेडियन और डांस दीवाने की मेजबान भारती सिंह के साथ साथ शो के प्रतिभाशाली प्रतियोगी मध्य प्रदेश की ईशा शर्मा और असम की सिद्धार्थ दोरजी आज इंदौर में थे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। आपको बता दें, भारती सिंह ने कहा कि इंदौर के उत्साह और प्यार का अनुभव बेहद मजेदार था। यह बहुत शांतिपूर्ण शहर है। मैं पहले भी इंदौर आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हुआ। इंदौर के शानदार लोगों से मिलना और डांस के प्रति उनकी दीवानगी को देखना वाकई सुखद था। मैं डांस दीवाने और हमारे प्रतिभाशाली प्रतियोगियों को दिए गए बेशुमार प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूँ, विशेषकर ईशा शर्मा के लिए, जो मध्य प्रदेश की भावना का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस शो को अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे। दरअसल इंदौर की हलचल भरी सड़कों पर भारती ने लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया और निपानिया इंदौर की एक हाउसिंग सोसाइटी द एम्प्रेस के उत्साहित लोगों से मुलाकात की। अपने उत्साह से उन्होंने दो कुशल कंटेम्प्ररी डांसर्स के साथ इस डांस उत्सव में शामिल होने हेतु निवासियों को आकर्षित करने के लिए तत्काल डांस सेशन की शुरुआत की। एक रोमांचक ट्विस्ट लाते हुए भारती ने एक सेगमेंट पेश किया, जिसमें प्रतिभागियों को यह अनुमान लगाना था कि प्रतियोगी किन अभिनेताओं के प्रसिद्ध हुक स्टेप कर रहे हैं। इस चुनौती ने उत्साह को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि भीड़ ने अनुमान लगाने की कोशिश की और विजेताओं को तारीफ और तालियां मिली। हाउसिंग सोसाइटी के बाहर घूमते हुए भारती ने 56 बाजार के मशहूर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखते हुए अपने समय का आनंद लिया। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, पहले तो आप अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? पहले तो मैं मीडिया से कहना चाहूँगी, ये वाली मीडिया से, कि आप लोग सुबह क्यों नहीं आए? ये बात हैं, मैं आप लोगों से नाराज हूँ, मैं नहीं बात कर रही। अरे अरे नहीं, मेकअप हो जाएगा। अब तो करना पड़ेगा। करती हूँ, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हो कि मेरी हंसी निकल जाती है। सो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है सोसाइटी में आके। यार, ऐसा वाला इवेंट मैंने कभी नहीं किया, बट ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को बताने के लिए, क्योंकि सोसाइटी से बेस्ट जगह कोई हो नहीं सकती इवेंट के लिए। तो और मैं जब गाड़ी से आई और मैंने देख लिया, कितनी सारी मम्मी भाभी चाचियाँ सब फटाफट रोटियाँ बना के बैठी हुई नीचे, ताकि है ना, ताकि पति कहे खाना खा लो ना, बना के रख के आई हूँ, है ना, तो ये करे सब। सो बड़ी एक्साइटेड हूँ इंदौर के लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले आई थी तो उज्जैन में शो था, महाकाल जी के पास ही हम रहे थे, और आज पूरी कोशिश है कि अगर आप जल्दी ख़त्म कर लो और ये भी ख़त्म कर लें तो फिर जरा जाके भस्म आरती के दर्शन हो जाए। हो जाएंगे कि नहीं? अरे बाप रे, साहब इंदौर में भी आए हैं उज्जैन के बाद में एक शो के लिए, उसके बाद आई थी। हाँ जी, आपको याद नहीं हमको? अरे वाह, आप लोग तो दीवाने निकले, दीवाने। अरे नहीं भाई, थैंक यू, के सब दीवाने, थैंक यू। अभी मैंने व्लॉग ही एंड किया है, सब कोई गोला 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 कर रहे उधर, तो मैं जाऊँ फिर? इंदौर में आप आए हैं, इंदौर लगा सफाई को लेके क्या कहें भाई? मैं पहले भी सुबह के जो वाले थे हमारे प्रेस वाले, सबको बोल चुकी हूँ कि इंदौर को बहुत सारे नाम मिल चुके हैं, और बड़ा प्राउड होता है मुझे कि भारत की सिटी बोला जाता है, कि भारत का एक ऐसा शहर है जो सबसे क्लीन है। और जब क्लीन की बात की जाती है तो चंडीगढ़ का भी कहीं ना कहीं नाम आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं बेसिकली हूँ तो पंजाब से ही ना, उधर ही पैदा हुई हूँ, उधर के खेतों में ही हुई हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग, नागरिक जिस शहर के होते हैं और इतनी अच्छी से वो चीज़ें करते हैं, देश का नाम, सिटी का नाम बहुत ऊंचा है। तो मुझे लगता है कि इंदौर क्यों, चंडीगढ़ क्यों, दिल्ली क्यों नहीं, हरियाणा क्यों नहीं, अंबाला क्यों नहीं, हम भी सब करते हैं यार। इंदौर के लोग कुछ अलग है क्या? अगर अलग ही है भाई, जो मिलके इतनी सफाई रख रहे हैं, तो मुझे लगता है बाकी शहरों वालों को भी ये चीज़ करनी चाहिए, थोड़ा सा ना कॉम्पिटिशन करना चाहिए कि इंदौर साफ है, अब आओ पटना, आओ पटना भी साफ मिलेगा, दरभंगा आओ वो भी साफ मिलेगा, अंबाला भी। तो मुझे लगता है ये कॉम्पिटिशन होना चाहिए सिटीज़ में ही, ताकि सफाई के लिए कॉम्पिटिशन, इनाम जीतने के लिए लड़ाई हो। खान पीन के बारे में भी जाना जाता है, आप दिन भर रहे, क्या खाया? क्या क्या खाया आपने? दाल, चावल और हरी मिर्ची,
क्योंकि मैं इतना बिजी थी और एक ही दिन था आगे, क्योंकि कल फिर शूट है, वापस जाना है, तो एक ही दिन था, इसीलिए मैं वो 56 दुकान आप में से कोई नहीं लेकर आया कुछ वहाँ से, नहीं ना, मैंने जाना था बट अभी इधर आ गए, फिर मुझे रात को निकलना है, बट नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो 56, 57, 58, 60 तक सराफा चराफा सब चली जाऊंगी कि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे झुंड में कि भारती को यहाँ से निकालो, खाना खत्म हो रहा है, ऐसा करूंगी। डांस दीवाने में इस बार क्या नया? यार डांस दीवाने ना, मैं सच्ची बोलूँ, ऐसा नहीं कि मैं शो कर रही हूँ और मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये शो बड़ा अलग है। बाकी चैनल्स पे शो देखते हैं वो हम ही करते हैं, बच्चे डांस करते हैं, जवान लोग डांस करते हैं, लेकिन ये ना अलग ही शो है। मेरी कोई इस चैनल से कोई, मेरा चाचा मामा कोई नहीं है इसमें, ना मेरे ससुर जी हैं कलर्स में, मैं दिल से कह रही हूँ बड़ा ही अलग शो बनाया है जिसने भी बनाया है। इसमें ना मम्मियाँ भी नाच रही, भाभी भी नाच रही है और नानी भी नाच रही है, चाचा भी नाच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेटा देखो ना डांस, तुम भी कुछ सीखो, ऐसे नहीं, बच्चे आपको कह सकते हैं पापा ये छोड़ो आप भी कुछ सीखो, तो ये ऐसे वाला डांस है जिसमें ना बहुत सारे लोग, हमारी माएँ, हमारे भाई जो मजदूरी करते रह गए, यार हमको भी आता था लेकिन हमारे टाइम पे होता नहीं था, लेकिन मैं कह रही हूँ अब जितने भी मेरे भाई भाभियाँ हैं कि अब टाइम आ गया है, जब हम कहते थे ना कि हमारा टाइम नहीं था अब तो बच्चे करें, नहीं हम भी करते हैं और ये प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए डांस दीवाने, मतलब जो डांस के दीवाने हैं ना वो आ जाओ, एज मत देखो। इंदौर के टैलेंट के बारे में? इंदौर का टैलेंट भाई मैं अभी मिलके आई हूँ, वो जो डांसिंग कॉप है, क्या बात है यार, नाच नाच के कर रहे हैं, मतलब कहते ना कि अगर काम में खुशी ढूंढो ना तो मिल जाती है, अगर काम में सड़ापन करो ना कि हाँ भाई भारती का इंटरव्यू लेके जाना, फिर सब्जी लेके घर जानी है, बोलो मैडम क्या बोलते हैं तो वो नहीं है ना, वो कह रही है अपने काम में भी आप नाच के भी इंटरव्यू ले सकते हो, वो चीज़ है। क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती भाई, क्योंकि अब तो चलो पैसा आ गया, मेकअप करना आ गया, चार लोग आ गए तो मैं अच्छी लगती, पहले पता ही नहीं था, जब पंजाब में रहती थी मोटी ऐसे था, तो ऐसे कहता क्या करूँ, कुछ अलग करूँ, अलग दिखूँ, तो मैंने अपने मोटापे को ही प्लस पॉइंट बना लिया, किसी की मोटी कहने से पहले मैं खुद ही कह देती हूँ कैसी लग रही है मोटी, तो लोग कहते अरे, तो लोग बोलते कि अरे इसको मैं क्या कहूँ, इसने तो खुद बोल दिया, तो इसीलिए ना लोगों के बोलने से पहले खुद बता दो कि तू मत बोल, मैं हूँ, मैं करती हूँ कॉमेडी मोटी पे कैसे करनी, तो वो वाली मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है भाई, ये चश्मे चुश्मे उतारो, पेट अंदर करो भाई, उनको वो कौन है आपका हिंदी खबर वालों को बोलो 2 महीने छुट्टी चाहिए क्योंकि ये शो चलेगा, आप आओ आपको डांस सिखाते हैं, ठीक है भाई, आओगे कि नहीं? सच्ची कह रही हूँ यार, सच्ची कह रही हूँ, आपका मन नहीं करता, आप कभी साले की शादी में जाते हो तो फिर 2-3 लगा के ऐसा हो जाता है ना, तो 2-3 लगाने के बिना भी ऐसे होता है, और सामने जब माधुरी दीक्षित बैठी हो तो भाई बहुत ज्यादा मजा आता है, माधुरी को देखने के लिए आ जाओ, ये आ रहे हैं, ये सुबह हमारे साथ ही चल रहे हैं, ठीक है, आप अकेले होस्ट कर रहे हैं, इसमें भी हर्ष सर हैं साथ में, नहीं आज कहीं और पैसा कमाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।